कितने मर गए तो कहते हैं कि पांचों नाग और पच्चीसों नागिन से क्या तात्पर्य हुआ कि हम लोग बहुत बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। ये जो संसार है ये पांच तत्वों से बना है, उसी को कहते हैं कि पांचों नाग। नाग क्यों? क्योंकि यही पांचों तत्व तो हमको डसते रहते हैं। जैसे नाग डस के हमें अपने विष के प्रभाव में मरणासन्न कर देता है या मार ही डालता है, वैसे ही जब से हम लोग संसार में आते हैं तो इन्हीं पांच तत्वों की गिरफ्त में तो रहते हैं। पांच तत्व क्या क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इस संसार में जो कुछ भी है हमारे चतुर्दिक या स्वयं हमारा अपना शरीर भी, वो किससे बना है? इन्हीं पांचों तत्वों से। तो हम जो कुछ भी संसार में अर्जित करना चाहते हैं, जिसके भी पीछे भागते हैं, वो इन्हीं पांचों तत्वों से बना है। और उन सब के पीछे भागते भागते क्या होता है कि हम अपना जीवन व्यर्थ में गवा देते हैं, अंत में मरना ही होता है हमें। जैसे नाग के विष के प्रभाव में आदमी तड़पता हुआ जान दे देता है,
वैसे ये पांचों तत्व जो है ना, ये हमें ऐसा डसते हैं, ऐसा डसते हैं, इनकी गिरफ्त से बिरले निकल पाते। क्योंकि ये कहते हैं कबीर साहब कि ये पांचों नाग अकेले नहीं घूमते, इनकी इनके साथ में 25 नागिन वो भी रहती है। ये 25 नागिने क्या हुई, कहते हैं कि प्रत्येक तत्व की अपनी अपनी पांच प्रकृतियां होती हैं, पांच स्वभाव होते हैं। तो हरेक के पांच पांच स्वभाव, यानी पांच तत्व के मिलाकर 5 × 5 कितने हो गए, 25। तो पांचों तत्वों के जो पांच पांच गुण हैं, स्वभाव हैं, वो मिलाकर 25, उनको नागिन कहते हैं। एक एक तत्व के स्वभाव बताए गए, हम लोग बहुत बार चर्चा कर भी चुके हैं। जैसे मिट्टी है, मिट्टी तत्व से क्या क्या बना है, तो हमारा चमड़ा है, मांस है, हड्डी है, बाल है, ये सब चीजें जो बनी हैं, ये किससे, नाड़ियां हैं, ये बनी है मिट्टी तत्व से। मिट्टी तत्व से बनी है मतलब इस पृथ्वी तत्व की प्रमुखता है। ऐसे ही देखेंगे जल तत्व, तो जिसमें लिक्विड जहाँ दिखता है, जैसे पसीना निकलता है, मुंह से सलाइवा निकलता है, मूत्र है, रक्त है, ये सब जो है वीर्य है, सिमन, ये जो लिक्विड वाले तत्व हैं, ये किन की प्रकृति है, तो ये जल की है। अग्नि का वैसे ही है कि हमारे जो जम्हाई आती है, आलस होता है, नींद घेरती है, ये सब जो तत्व है ये अग्नि की प्रकृति है। वैसे ही हवा, हवा में क्या होता है, तो हम लोग देखिए फैलते हैं, वो चिड़िया वगैरह में देखा है कभी कभी ऐसे एकदम फुला के इतना शरीर कर देती है, क्या करती है, हवा भर के। तो फैलना, सिकुड़ना, बल लगाना, चलना, ये सब जितने तत्व हैं, ये किसके गुण हैं, तो ये वायु तत्व के गुण हैं। पवन में बहुत बल होता है, बल लगाना, पवन तनय सुत्र पवन समाना, पवन तनय यानी पवन के पुत्र हनुमान, कितना बल ये। और ऐसे ही आकाश तत्व के क्या गुण हैं, तो हमारे मन के जो पांचों विकार हैं, क्या, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सब जो हैं, ये सब किसके चलते आते हैं, ये आकाश तत्व के। ये सब अब इन 25 को गिनिए, तब पता चलेगा कि हमारे पास जो कुछ भी है, बस इन्हीं 5 तत्वों और 25 प्रकृतियों में सिमट के रहता है। ये सब के सब हमें एक जन्म नहीं, कितने जन्मों से परेशान किए हुए हैं, न जाने कब इनसे पीछा छूटेगा। कबीर साहब कहते हैं कि ये पांचों नाग, 25 नाग, मुझे गुरु ने वो जड़ी दी कि सूंघा और सब तुरंत मर गए तत्क्षण। और वो जड़ी है कहाँ, तो कहते हैं कि ये जो शरीर है हमारा, अजब अजीब बंगला है, इसमें छिपा करके रखे, हमारे अंदर में उस जड़ी को छिपा करके रख दिया। हमने पढ़ा क्या कहते हैं, काया नगर, ये शरीर एक नगर है, काया नगर अजब रंग बंगला तामे गुप्त धरी, उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। और जब देख नहीं पाते हैं तो कहाँ रहते हैं, अज्ञान में रहते हैं, अज्ञान के अंधकार में रहते हैं। और ये अंधकार जो है, ये समूचे संसार को खाए जा रहा है, खाए जा रहा है मतलब कि लीले जा रहा है अपने अंदर। जैसे अभी कल कल की बात है, हमारे डिपार्टमेंट में देखा मैंने, कुछ बच्चे जमा थे एक जगह और बड़ी उत्सुकता से कैमरा वगैरह मोबाइल कर लेके, और कुछ दूर से चेहरे पर थोड़ा भय भी और फोटो भी खींच रहे थे, क्या हुआ, तो बोले सर सर सांप है सामने, हमारे डिपार्टमेंट के पीछे जंगल है, तो उसमें एक बहुत बड़ी ये मोटी करीब 6 फीट की धामन, और उसने खा लिया था मेढक। जब मेढक खा लेता है तो उसके मुंह के आकार से मेढक बड़ा होता है ना, तो वो सांप जो है सुस्त हो जाता है, जल्दी भाग भी नहीं पाता, लेकिन फिर भी इन लड़कों का साहस नहीं हो रहा था। मैं बोला चलो कुछ, चलो नजदीक से देखो, इतने दूर से क्यों देख रहे हो, तो गए। अब वो देखिए सांप की फुर्ती कितनी बेचारा, कि जब नजदीक जाने लगे तो उसको समझ में आ गया कि कोई आ रहा है, तो बस थोड़ा सा चलता था, और हम रुक गए तो वो भी रुक जाता था, और फिर जब हम लोग उसके पास जाते तो फिर सरकता,
अंत में छोड़ दिया हमने, क्यों परेशान करना इसको, जाने दो, वापस आ गया। लड़के बहुत खुश हो गए, नजदीक से देखा सब, जैसे सांप उस मेढक को निगल के और धीरे 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 खींचते हुए पीछे से पकड़ता है और खींचता जाता है, खींचता जाता है, खींचता जाता है, और अंत में पूरा मेढक जो है सांप के अंदर चला जाता है, काल कवलित हो। वैसे ही ये जो अज्ञान है, जो मोह है, ये बहुत काल कराल व्याल कहते महामोह, जो महामोह है हमारा, यही सबसे बड़ा व्याल मतलब सर्प है, और ये समूचे संसार को खाता है। कहते हैं कबीर साहब इस पद्य में कि या कारे ने सब जग खायो, कारे मतलब काला, काला मतलब अंधकार, इस अंधकार ने समूचे संसार को खा लिया। कैसे खा लिया, तो अंधकार जो है वो अज्ञान का प्रतीक है, अज्ञान मोह से उपजा, मोह कहां से आता है, मोह अज्ञान से ही आता है। जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो अपने आप मोह खत्म हो जाएगा, तो मोह का मूल क्या है, अज्ञान है, और अज्ञान वो अंधकार है जिसमें हम सब कितनी बार आए। देखिए अज्ञान क्या है, सबसे बड़ा अज्ञान क्या है कि हम अपने को ही नहीं पहचानते, हम अपने को शरीर समझते हैं, हम अपने को बहुत आगे भी बढ़ते हैं तो मन जाते हैं, मन तक जाते हैं, बुद्धि तक जाते हैं, उसके आगे भी कुछ है ये हमारी समझ में आता ही नहीं है। सत्संग में अगर आते हैं तो इन सब विषयों पर चर्चा होती है तो उनका सिद्धांत तो समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी मुलाकात है हमारी अपने से, पता चल गया कि ये सब गड़बड़ है, माया है, कुछ नहीं है, और हमारा जो अपना स्वरूप है वही सत्य है, ये जान लिया, लेकिन पहचान हुई अपने से, कब पहचान होगी। तो कहते हैं ये जो अंधकार है, अज्ञान है, हम लोग देखिए आंखें बंद करते हैं तो क्या है, हम कहाँ हैं, इसी अंधकार में है ना। बाहर तो हमारा शरीर है, बाहर जिस प्रकाश में हम लोग बैठे हुए हैं, इस प्रकाश में हमारा शरीर है, हम कहाँ हैं, हम शरीर के अंदर हैं, और अंदर क्या भरा हुआ है, तो आंखें बंद करने पर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, और ये अंधकार नहीं, हमारे पूज्य पाद महर्षि संशय जी परमहंस जी महाराज कहते थे कि ये तम नहीं यम है। हम में से जो भी जब तक इस तम मंडल में रहेंगे तब तक हम यम मंडल में रहेंगे, और यम हमें बार बार लूटता रहेगा, कूटता रहेगा, इससे त्राण तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि हम इस अपने को इस अंधकार से ऊपर नहीं उठाएंगे। तमसो मां छोटे भाई, इस अंधकार से प्रकाश में ले जाने का जो भेद है, रहस्य है, युक्ति है, ये कौन बताते हैं, ये सद्गुरु बताते हैं, और इसीलिए ये अंधेरा जो है उनको देखकर डरता है, रास्ता बता देते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, तो लाहे कारण मूल गवायो, दिन दिन बाकी संपत्ति तो चोर लूट के ले जाते हैं। अभी देखिए कल ही सुनील जी थे नहीं तो मैं कुछ नहीं पाया, परसों बोलते हैं कि कुछ यहाँ पर छापा पड़ा है ना इनकम टैक्स का, कितना धन कमाया होगा। आज हम लोग उधर से जा रहे थे तो उनका मकान दिखाया, तो देखकर आंखें एकदम यूं विस्फारित हो जाती है, बाप रे ऐसा भी मकान होता है, इतना बड़ा विशाल भव्य भवन, और अब आज जाके पूछिए तो उनकी शांति का क्या हुआ। ये जो धन है ना बाहर का, ये शांति नहीं देता है, और चोरों के लूट, चोरों द्वारा लूट लिए जाने का खतरा रहता है इसमें, लेकिन वो जो धन भक्ति कीजिए और भक्ति बांटिए लोगों में, ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है। अगर मेरे पास 50 रुपए हैं और मैं 25 आपको दे देता हूँ तो मेरे पास कितने रह जाते हैं,
25 रह जाते हैं, और अगर 50 दे दिया तो क्या हो गया, जीरो, हम तो कंगाल हो गए। लेकिन ज्ञान, अगर मैं कोई एक चीज जानता हूं और वो यहाँ पर बताता हूं, तो मान लीजिए यहाँ 11 लोग उपस्थित हैं, तो 11 के पास वो ज्ञान जाता है और मेरा खत्म हो जाता है क्या? उल्टे बताने के क्रम में और मस्तिष्क जो है सक्रिय होता है और अपनी भी समझ में और स्पष्टता आ जाती है। तो ये जो धन है बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। सांसारिक धन बांटने से खत्म होता है। तो ये जो सदगुरु ने जो ज्ञान दिया है, जिस जड़ी का पता बता देते हैं, वहां पर ये पांचों तत्व से बनी स्थूल प्रकृति और उनके अनेक की पांच पांच प्रकृतियां, ये सब समाप्त हो जाती हैं। साधक अपने को उस जड़ी को लेकर ऊपर उठा लेता है, और जब वो ऊपर चला जाता है तो तत्व और उनकी प्रकृतियां सब पीछे छूट जाती है। सुघक तुरंत मरी, और इसीलिए सदगुरु देखिए डरी, यूं तो अपने को इतना बलवान समझता है कि पूरे संसार को निकले जाता है, लेकिन सदगुरु को देखता है तो डरता है, क्योंकि सदगुरु जो है उस अंधकार को चीरने की युक्ति है, अंधकार से प्रकाश में पहुंचा देते हैं। और प्रकाश हम लोग दिखाते हैं, प्रकाश मतलब आरती करते हैं हम लोग। देखिए आज मैं सोचा था भाई ये थोड़ा लंबा हो गया कि हर बार हम लोग आरती गाते हैं, लेकिन खास करके तुलसी साहब की जो आरती है इसका पूरा पूरा अर्थ समझता नहीं है, बहुत कठिन आरती है। मैं सोच रहा था समय तो बहुत हो गया, उसको संक्षेप में हम लोग उस आरती का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तुलसी साहब की आरती जो है उसमें क्या कहते हैं हम लोग जो अभी गाएंगे तुरंत थोड़ी देर बाद में, ये कहते हैं आरती संग सत गुरु के। देखिए हम लोग जब आरती करते हैं तो क्या होता है, एक थाल होता है, एक गोल सा थाल होता है, उस थाल के केंद्र में एक दिया जलाते हैं, प्रकाश रहता है, उसके चारों तरफ अक्षत, अक्षत बोलते हैं ना, अक्षत, छत मतलब टूटा हुआ, छत वही छत, और अक्षत मतलब जो टूटा नहीं, समूचा चावल, अरवा चावल वो रखते हैं, उसके बाद फूल रखते हैं, फल रखते हैं, ये सब रखते हैं, दिया भी जलाते हैं, और साथ में कोई ये तो ऐसे ऐसे टन 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 वाली घंटी, नहीं तो गोल वाली घंटी बोलेंगे, टन 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 घंटी भी बजाते हैं और शुरू हो जाती है, और थाल घुमाते हैं गोल गोल, और फिर कोई तो आरती गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, कितनी बार आरती गाते हैं और आज तक संकट दूर नहीं हुए क्या? जगदीश से परिचय नहीं है, जगत का ईश, पूरे संसार का जो मालिक है वो कौन है? तो ये जो आरती का सच्चा स्वरूप क्या है, ये जो बाहर में हम लोग आरती घुमाते हैं, ये फिर से वही बात आती है, ये प्रतीकात्मक सिंबॉलिक है, संकेत है, इसमें सिर्फ छोटा सा मॉडल बना के दिखाया जा रहा है कि समझो इसका असली जो है वर्किंग, वर्किंग जो इसका रूप है वो कहीं अंदर है। कहते हैं वो आरती किसके साथ करेंगे, तो सदगुरु के साथ, सतगुरु हमारे अंग संग हमेशा विराजमान रहते हैं, उनके साथ अंदर में सतगुरु है हमारे, बाहर में तो उनका ऐसे ही स्थूल रूप है, अपने सूक्ष्म रूप में, अपने कारण रूप में, अपने महाकारण रूप में गुरु सदैव हमारे अंग संग रहते हैं, उनके साथ आरती कीजिए, आरती संग सतगुरु के कीजिए, अंतर ज्योत होत लख लीजिए, हमारे अंदर में ज्योति हो रही है उसको देख लीजिए। कैसे? तो कहते हैं पांच तत्व तन अग्नि जराई दीपक चास प्रकाश करी जाए। कहते हैं पांच तत्वों की अग्नि, पांच तत्व अभी हमने सुना, ये शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है, ये जो ये शरीर जिन पांच तत्वों का बना हुआ है उनकी अग्नि अपने अंदर में प्रकाशित कीजिए, या यूं कहिए कि पांच तत्वों से बने शरीर में अग्नि जलाइए। पांच तत्वों की अग्नि क्या क्या हुई? तो कहते हैं हरेक का रंग हम लोग बहुत बार अब तक तो याद हो गया होगा, पृथ्वी का प, पृथ्वी का पीला, उसके बाद जल में लाल, जल का लाल, पावक अग्नि, पावक में क है काला, हवा हरा, और आकाश श्वेत, ये पांच रंग जो हैं साधक को अलग अलग अपने अंदर में दिखते हैं।
कहते हैं कि अपने शरीर में पांचों तत्वों की अग्नि जलाइए, अर्थात उनका प्रकाश, उनका रंग देखिए, और देख के उसके आगे क्या करिए, पांच तत्व तन अग्नि जलाई दीपक चास प्रकाश, दीपक की जो लौ होती है ना उससे जो प्रकाश निकलता है वैसा दीपक की लौ के समान प्रकाश भी अपने अंदर में साधित होता है, उस प्रकाश के भी दर्शन कीजिए। उसके बाद क्या है, तो गगन थाल रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश धर दीजिए। जैसे बाहर में थाली है और उसमें कुछ फल रख दिया, आम सेव संतरा ऐसे फल रख दिया और कुछ फूल भी रख देते हैं, तो ये बाहर की थाली हुई। संत क्या कहते हैं कि अरे अंदर में जो आसमान दिखाई देता है, आकाश में देखिए गोल गोल दिखता है, अंदर में जो आकाश दिखता है वो गगन ही थाली है, परमात्मा की बनाई हुई थाल है। उस थाल में गगन थाल जो आकाश है वो आकाश ही थाली है, और उसमें रवि शशि, रवि मतलब सूर्य, शशि मतलब चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा ही मानो फल और फूल हैं। फल फूल के रूप में सूर्य और चंद्रमा सुशोभित हो रहे हैं, उनके दर्शन करो, अर्थात सहस्रार में चंद्रमा, त्रिकुटी में सूर्य हम देखते हैं, मानो परमात्मा की थाल में फल और फूल हैं, और इसके साथ में कई तरह के छोटे 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 और भी रहते, गगन थाल रवि शशि फल फूला, और मूल कपूर कलश धर दीजिए। मूल मतलब मूल में यानी प्रारंभ में, आरंभ में क्या करो, तो कपूर कलश, कर्पूर का कलश स्थापित कीजिए। कर्पूर कैसा होता है, सफेद, श्वेत, श्वेत प्रकाश का प्रकाश रूपी कलश अपने अंदर में स्थापित कीजिए। ये कपूर तो तुरंत बुझ जाता है, लेकिन वो अंदर में जो कर्पूर कलश है, जो श्वेत प्रकाश है, कभी नहीं बुझता है। दुनिया की कोई प्रचंड से प्रचंड अग्नि भी उसका बाल बांका नहीं कर सकती। वो ज्योति रूपी कलश अपने अंदर में स्थापित कीजिए, फिर वो कलश कभी विसर्जित भी नहीं होगा। अंदर जो हम लोग बाहर जो कलश की स्थापना करते हैं तो फिर विसर्जित भी करते हैं, बाहर जो सूर्य उगता है वो डूब भी जाता है, अस्त भी हो जाता है, लेकिन अंदर का जो सूर्य देख लेता है उसका सूरज कभी नहीं दिखता। हृदाकाश है चिदादित्य सदा भासति भासति नास्तमेति, नास्त होता है न च उदेति, न उगता है कदम संध्या उपासना, ऐसा है। और इसके आगे और कहते हैं, अक्षत नभ तारे मक्षत छोड़, एक भी चीज नहीं छोड़ रहे थे, अक्षत नभ तारे मुक्ता हल पोहप माल किया हार मुझी है। कहते हैं कि आसमान में सिर्फ चांद और सूरज ही नहीं दिखाई देते, अनगिनत तारों के भी दर्शन होते हैं, और ये छोटे 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 तारे प्रकाश के रूप जो दिखते हैं, ये मानो उस थाली में छींटे हुए अक्षत है। एक एक तारा एक एक चावल है, चावल का कण है, यानी इस संसार रूपी थाल में जो तारे हैं, अक्षत नभ तारे मुक्ताहल, मुक्ता हर मतलब मोती, ये सब तरह तरह के प्रकाश के रूप जो दिखाई देते हैं, और पोहक माल फूल सहस्रदल कमल, क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं सहस्रदल कमल, कि छोटी 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 पंखुड़ियों के आकार के मानो हजारों पंखुड़ियां प्रकाश में चमकती हुई दिखाई देती हैं, ऐसा लगता है कि मानो हजारों पंखुड़ियों वाला कमल खिल गया हो, इसलिए उसको कहते हैं सहस्रदल कमल या सहस्रार। पोहक माल किया हार गुरी जय, हृदय में अगर हार ही पहनना तो ये वाला हार पहनेंगे, आज पहनेंगे कल सूख जाएगा। अगर हार पहनना है तो प्रकाश रूपी पुष्प का हार पहनो अपने अंदर, जो तरह तरह के रंग बिरंगे अजीब अद्भुत प्रकाश के रूप दिखाई देते हैं, वो मानो और कुछ नहीं फूल हैं, उनको अपने हृदय में पहनो, यानी अपने अंदर में उन पुष्प, पोहक मतलब पुष्प, पोहक माल पुष्प माल फूल का हार, पोहक माल किया हार उसका हृदय में हार, हृदय को अपने गूंथ लीजिए उस हार से, यानी अपने अंदर में उन पुष्प रूपी प्रकाशों के दर्शन कीजिए। और फिर क्या है, सेत पान मिष्टान्न मिठाई चंदन धूप दीप सब चीजें, बहुत सी चीज रखते हैं, पान भी रखते हैं, तंबुल
मिष्टान मिठाई या नैवेद्य भी रखते हैं। तो कहते हैं सेत मतलब श्वेत, श्वेत मतलब प्रकाश। तो ये जो पान है, मिष्टान है, मिठाइयां है, श्वेत पान मीठा अन्न, मिष्टान मतलब मीठा अन्न, मिष्ट अन्न और मिठाइयां ये सब जो है, और धूप, धूप में भी प्रकाश ही निकलता है ना, दीप, ये सब क्या है, ये सब प्रकाश के विविध रूप हैं। इन सब को देखिए कहां प्रकाश में ये सारी चीजें दिखाई देती है, धूप दीप सब चीजें है, सारी जितनी भी चीजें हैं सब अंतः प्रकाश में दिखाई देती हैं। और फिर कहते हैं झलक झांझ मन मीन मंजीरा मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुनि। झलक, झलक मतलब प्रकाश, झलक नहीं हो तो झलकेगा नहीं कुछ, अभी रूप है ना, और प्रकाश चला जाए तो दिखाई देगा क्या, झलकने के लिए झलक यानी प्रकाश जरूर, प्रकाश होगा तभी देख पाएंगे। तो अंदर में जो प्रकाश है झलक, उस प्रकाश में क्या होता है, तो मधुर मधुर ध्वनि, सिर्फ प्रकाश ही नहीं होता उसमें ध्वनियां भी सुनाई देती हैं, और एक से एक मधुर ध्वनियां, चित्ताकर्षक ध्वनियां, अपने ध्यान को आकृष्ट करने वाली ध्वनियां सुनाई देती, मधुर मधुर ध्वनि। कैसा, तो झलक झांझ, झांझ बजाते हैं, झांझ मंजीरा मृदंग, ये सब की मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुनी जाए, कहां पर, प्रकाश में, झलक झांझ। और इन सब को कौन सुनेगा, इन शब्दों को, तो मन मीन, झलक झांझ मन मीन मंजीरा मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुनी जाए, ये तरह तरह के शब्दों को कौन सुन पाएगा, तो जिसने अपने मन को मीन बना दिया, मछली बना दिया, और सफरी मछली। इसके पहले जो प्रकाश के वर्णन आए, तो प्रकाश को देखने के लिए विहंगम, विहंगम मार्ग होता है, जैसे पक्षी आसमान में उड़ता जाता है और नीचे के दृश्य देखता जाता है, उन लोग बहुत ऊपर से फोटोग्राफ लेते हैं तो क्या कहते हैं, बर्ड्स आई व्यू या विहंगम दृष्टि बोलते हैं, क्योंकि पक्षी ऊंचाई पर रहता है और नीचे के सारे दृश्य देखता है, उसको विहंगम दृष्टि बोलते हैं। वैसे ही अंदर में जब हमारी सूरत उड़ती है और तरह तरह के प्रकाशमय दृश्यों को देखती है, तो उसको कहते हैं विहंगम मार्ग। और फिर जब शब्द की धार को पकड़ती है, तो जो छोटी मछली होती है, धारा ऊपर से नीचे बहती हुई आ रही है, बड़ी बड़ी मछलियां भी बह जाती हैं, लेकिन छोटी मछली होती है आराम से सहजता पूर्वक धार के उल्टे बहती हुई वहां तक पहुंच जाती है, जहां से धार अभी बहुत सा चला गया, वो वीडियो दिखाया था साउथ अमेरिका में एक जगह दिखाया है, बहुत सुंदर दृश्य, मतलब जो लोग पढ़ते ना भाटा से मीन सूरत धार धरी भाटा से सीधा चढ़ी गई, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर नीचे से ऊपर की ओर चढ़ती जा रही है, तो अद्भुत दृश्य। एक सड़क थी और सड़क पे उधर से पानी बह के इधर आ रहा था, पानी तेजी से बह रहा था, दोनों तरफ गाड़ियों का हुजूम जमा हुआ, और उसमें इधर से मछली आ रही छोटी, देखा होगा ना आपने, देखा इधर से मछलियां ऐसे आ रही थी और उल्टी चलती चली जा रही, सब गाड़ी वाड़ी रोक के लोग उस दृश्य को देखते हैं। जो सूक्ष्म मछली होती है वो धारा की विपरीत दिशा में, धारा ऊपर से नीचे बहती है पर ये मछली नीचे से ऊपर, बड़े बड़े हाथी आ जाते हैं बाढ़ में, लेकिन वो मछली सुगमता पूर्वक उल्टी दिशा में चलती चली जाती है। तो अंदर में शब्द, स्थूल मंडल का शब्द, सूक्ष्म मंडल का शब्द, कारण मंडल का शब्द, महाकारण, एक से एक ऊंचे ऊंचे मंडलों का शब्द सुनना है, तो हमको उल्टा चलना होगा, धारा ऊपर से नीचे बहकर आती है शब्द की धारा, और मन जब मीन बन जाता है, मीन मार्ग से चलता है, तो नीचे से ऊपर जाता हुआ एक एक कर उत्तर उत्तर उच्चतर मंडलों के शब्द सुनता चला जाता है, और फिर और साथ में उसकी सुगंध भी जाती है। कहते हैं कि हमारे शरीर में, पूरे शरीर में फैली हुई जो सुरत की धारे हैं, है ना, वो सब सिमट करके और सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा, उड़ते किधर है, नीचे नहीं उड़ते ना, ऊपर उड़ते हैं,
तो हमारी सूरत की जो धारें पूरे शरीर में फैली हुई हैं, वो सब सिमट के अंदर आकाश में ऊर्ध्वगमन कर रही हैं, आरोहण कर रही हैं। सर्व सुगंधोड़ी चली आकाशा मधुकर, मधुकर मतलब क्या होता है? भौरा, मधुकर मतलब भौरा, भ्रमर। वो प्रकृति में मधुकर कमल केली, केली करना मतलब खेल करना, है ना, क्रीड़ा करना, तो उसको आनंद आता है, खेलने लगता है। मधुकर कमल केली ध्वनि दीजे, ध्वनियों को पकड़ता है, उनसे संतुष्ट होता है। तरह तरह की अंदर में जो आकर्षक ध्वनियां सुनाई देती हैं, उनको सुन सुन के मधुकर भ्रमर संतुष्ट होता है। और फिर कहते हैं कि निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब। निर्मल ज्योत, बाहर की ज्योत देखिए, अभी अगरबत्ती भी जलाई कितनी काली निकलती है ना, काला काला धुआं, दिया जलाइए देखिए वहां लगातार अगरबत्ती जलती रहती है मंदिर में, तो उसकी छत पे काला दाग। बाहर की जो, बाहर का जो प्रकाश है उसमें काली रहती है, लेकिन अंदर में कहते हैं निर्मल ज्योत, बिल्कुल स्वच्छ प्रकाश है, धवल प्रकाश है, जरत जल रहा है, कहां घट माही, इस शरीर के अंदर ही जल रहा है। उसको जो अंतर दृष्टि से देखते हैं, देखत दृष्टि, अंतर दृष्टि से, बाहर की चाम चश्म से नजर ना हो, अंतर की दृष्टि से जो देखते हैं, देखत दृष्टि, तो दोष सब चीजें, सब हमारे दुर्गुण, सब हमारे दोष नष्ट हो जाते हैं। अधर धार अमृत बही आवे, सतमत द्वार अमर रस भीजे, अमृत का रस बह कर आ रहा है, कहा अधर द्वार, अधर कहते हैं अंतराकाश को, अंदर में जो अंतराकाश का जो दरवाजा है, कहा है दरवाजा, दशम द्वार, आज्ञा चक्र सुषुम्ना, उस अधर द्वार, वही अधर द्वार है, आकाशीय द्वार है, उस आकाश के दरवाजे में गगन की ओट निशाना है। पलटू साहब कहते हैं कि उस देश की बात मैं कहता हूं, आसमान के बीच सुराख है, आसमान में भी सुराख है, छेद है, उस छेद में से जब हम लोग जाते हैं तो वहां अमृत बह बह कर आता है, उस अमृत को हम पीते हैं। कौन सा? ज्योति और शब्द रूपी अमृत, बाहर में कोई अमृत नहीं, आज तक किसी को नहीं मिला। केमिस्ट्री के सारे रिसर्च के बाद में इतने एल्केमिस्ट हो गए, लेकिन आज तक कोई अमृत नहीं ढूंढ पाए, देवी देवता तक नहीं ढूंढ पाए। सारे देव देव देवताओं की भी आयु है, आयु समाप्त हुई तो चले गए, तो अमृत कहा रहा। अमृत मतलब क्या होता है? अ मतलब नहीं, मृत मतलब मर गया, जो नहीं मरे, जिसे मृत्यु नहीं आए, वो अमृत है। इस अमृत को वही प्राप्त कर सकता है जो अंतर ज्योति और अंतर शब्द की धारा को पकड़ेगा। वो कहाँ मिलता है? तो अधर द्वार, अधर द्वार अमृत, अधर धार अमृत वही आवे, अमृत बह बह के आ रहा है। और उसमें क्या होता है? सत्यमत द्वार, जो सत्य मत पे चलता है, सत्य बुद्धि पर, सत्य धर्म का सहारा लेकर चलता है, वो उस अमर रस में बरस रहा है, वृष्टि हो रही है अमृत की, और भी जैसे पहले देखिए बारिश होती है तो बच्चे कैसे घूम उसमें नाचते हैं खुश होकर, वैसे ही हमारी सूरत उस वृष्टि में, वर्षा में नाचती है खुश होकर, और पी पी अमृत पीती है, पी पी हो या सूरत मत वाली, चढ़ी चढ़ी उमगी अमीर सरी है। कहते जो सूरत है उस अमी रस को, अमी मतलब अमृत, अमृत रस को पी करके मतवाली हो जाती है, बावली दीवानी मस्त हो जाती है। जैसे कोई बाहर में शराब पी के शराबी मस्त होकर इधर उधर चलता है, उसके शराब में तो वो क्या अनहोनी कर बैठता है, और वो शराब भी कर, गुरु नानक देव जी का एक शब्द है उसमें कहा है, ये भांग तमाकू छूतरा इन सब का जो नशा है, ज्यो तारा प्रभात, जैसे सुबह हुई तो तारा गुम हो गया, वैसे ये नशा भी सुबह होते उड़नछू हो जाता है, लेकिन नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जो नाम का नशा जिसको चढ़ जाता है, उसका खुमार कभी नहीं उतरता, इंटॉक्सिकेशन हमेशा, वो सूरत इंटॉक्सिकेटेड रहती है, नशे में खुमार में रहती है दिन रात। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, तो वही कहते हैं कि पी पी हो सूरत मतवारी, चढ़ी चढ़ी उमंगी, उमंग के साथ और ऊपर जाती है, क्योंकि यहाँ थोड़ा मजा आया तो और ऊपर चढ़ती है, तो देखती है कि और मजा आया तो और चढ़ती है, उमंगी उमंगी, है ना, और उमंग में बढ़ती हुई चढ़ी चढ़ी उमंगी अमीर रस
अमृत के रस में वो मस्त लिखती है और फिर कहते हैं कोट भान छवि तेज ऐसा रूप ऐसी शोभा छवि कैसी तो कोट भान कोटि भान मतलब सूर्य करोड़ों करोड़ों सूर्यों के बराबर जो प्रकाश और शोभा होगी जो तेज होगा जो प्रकाश होगा जो उजाला होगा कोट भान छवि तेज उजाली वो अंदर में दिखता है और देखते हुए अलक पार लगी लाग लगी है। अलक मतलब क्या हुआ कि जिसको लखा नहीं जा सके जिसको देखा नहीं जा सके अदृश्य प्रकाश को दृश्य को प्रकाश के सहारे देख सकते हैं लेकिन जो अरूप है शब्द है ये पंखा चलने का शब्द हो रहा है इसको देख सकते हैं क्या जो शब्द है उसको अरूप बोलते हैं अलग बोलते हैं। अलग के भी पार में शब्दों में सबसे ऊंचा शब्द कौन सा सार शब्द अलग पार उसके भी पार लगी उसके पार पहुंच करके लाग लगी जाए कनेक्शन जोड़ लेते हैं किससे तो अलग के भी पार शब्द के भी पार शब्दातीत निःशब्द कौन है तो परम प्रभु परमात्मा है परमात्मा से उसका उसकी लागी लग जाती है ना लगे लगे रे लगे 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 लगन लगी कुछ ऐसे गाना है लगन लगी उसकी लाग वहाँ परमात्मा से लग जाती है और ऐसा जो छिन छिन सूरत अधर पर जो हर एक क्षण जिसका ध्यान अधर यानी आकाश पर रहता है तो गुरु प्रसाद प्रसाद क्या होता है प्रसीद मतलब प्रसन्न प्रसीद प्रसीद हो बोलते हैं ना हे भगवान प्रसीद मतलब प्रसन्न होइए जब वो प्रसन्न होकर अगर हमें कुछ देते हैं तो वही प्रसाद गुरु का प्रसाद क्या है उनकी जो कृपा है वही सबसे बड़ी सबसे बड़ा प्रसाद गुरु प्रसाद गुरु की कृपा से अगम रस पीजिए बहुत पूजा करते हैं ना अंत में भगवान प्रसन्न होते हैं और जो हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं उस पर भगवान भोग लगाते हैं तब वो अन्न नहीं रह जाता तब वो फल नहीं रह जाता क्या हो जाता है प्रसाद क्योंकि भगवान प्रसन्न हो गए और फिर उसको हम लोग प्रसन्नता पूर्वक गुरु प्रसाद गुरु की कृपा से अगम रस पीजे और दमकट कड़क कड़क गुरु धामा गुरु का जो धाम है गुरु परमात्मा का पर्यायवाची शब्द आदि गुरु परमात्मा है उनका जो घर है उसके मार्ग में प्रकाश भी होता है और शब्द भी होता है प्रकाश और शब्द से जड़ित वो मार्ग है उस पर चलते हुए हम लोग पहुँचते हैं उलटी अलल तुलसी तन कीजे ये क्या है अलल अलल कहते हैं ये एक मान्यता है कि एक ऐसा पक्षी होता है जो बहुत ऊंचे आकाश में रहता है आकाश की बहुत ऊंचाइयों में रहता है कभी नीचे धरती पर नहीं आता है अलल पक्षी होते हैं उसको ऐसी मान्यता है और कहते हैं कि वो अलल पक्षी वहीं रहता है आकाश में और वहीं अंडा भी देता है और जब वो अंडा देता है तो अंडा गुरुत्वाकर्षण से नीचे आने लगता है ना और अंडा जब नीचे आता है आता 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 रास्ते में ही अंडा फूट जाता है उससे चूजे पक्षी के बच्चे निकल आते हैं और नीचे आते आते उनके पंख भी उनमें शक्ति आ जाती है और धरती के करीब आके देखता है कि ये तो मेरा घर नहीं है ये मेरा घर नहीं है मेरा घर तो ऊपर है मैं तो ऊपर से गिरता हुआ आ रहा हूँ और अब पंखों में उड़ान भरने की शक्ति आ गई है उलटी उलट जाता नीचे गिरता हुआ आ रहा था और अब वो उलट जाता है और उलट के क्या करता है वहीं चला जाता है जहाँ उसके माता पिता वैसे ही हम भी उस परमात्मा रूपी अलल की संतानें हैं उसका अंडा फूटा और हम जो हैं इतने मूर्ख हैं कि धरती को देखकर यहीं मगन हो गए तू उतरी परियो तम माही पीव निःशब्द में हमारे पिया तो निःशब्द में है यहीं ते पड़ी गए दूर चलो निःशब्द में तो क्या कहते हैं तुलसी साहब कि उलटी अलल जैसे अलल उलट के अपने घर पहुंच जाता है वैसे ही तुम भी उल्टो मतलब संसार से उल्टा चलो अंदर की ओर चलो और अंदर की ओर चलते हुए तन तीजे त्यागते चले जाओ एक एक शरीर स्थूल शरीर छोड़ो सूक्ष्म शरीर छोड़ो कारण मां कारण कैवल्य शरीर छोड़ के और अलग पक्षी जैसे अपने घर पहुंच जाता है वैसे ही तुम भी अपने घर पहुंच जाओ ये आरती का सच्चा स्वरूप
आरति सत्य पुरुष की। सत्य पुरुष इस पूरे संसार में एक में परमात्मा है। सच्ची आरती उन्हीं की आरती है, क्योंकि आरती जो हमें हमारा आर्त भाव पूरा हमारे दुख दूर कर दें। उस आर्त भाव से अगर हम लोग आंतरिक आरती करेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ दुख और कष्ट और क्लेश का लेश मात्र भी हमारा स्पर्श नहीं कर सकेगा। ये संतों की साधना है, ये उनकी आरती है, और ऐसी आरती बैठ कर ही की जाती है। दौड़ते भागते ये आरती नहीं हो सकती। बहुत लोग चिढ़ जाते हैं कि कैसी आरती, उठते भी नहीं है। बोलिए प्रेम से, श्री सद्गुरु महाराज की जय।